हरी हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरी बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरी बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरी बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूँ ना। क्या? ओम हरी, ओम हरी। हाँ। ना आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरी, ओम हरी, हरी हरी ओम, ओम हरी, ओम हरी। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो, उठाकर फेंको उसे नीचे। यह हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लूं। कश्यप की जय जयकार करते हैं। उसी समय शुक्राचार्य भी वहां आकर उसे बधाई देते हैं। पत्नी कयाधु के लिए चिंतित दैत्यराज उसे लेने नारद आश्रम जाता है, किंतु प्रहलाद के सात्विक संस्कारों को देखकर रुष्ट होता है। विष्णु लोक में विष्णु भगवान प्रहलाद की भक्ति से संतुष्ट है। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किंतु प्रहलाद के विरोध पर कयाधु के अतिरिक्त सभी उससे क्रुद्ध होते हैं। हिरण्यकश्यप स्वर्ग विजय के पश्चात शची को अपमानित करता है। पिताश्री, ये पिताश्री भी न जाने कहां कहां चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसी का नाम परिश्रम है। यूं कमंडल फेंकने से कोई लाभ नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम तपस्या है। पिताश्री तपस्या करने गए हैं, हमारी तपस्या भी कठोर है। तो फिर चले तपस्या करने। आले कमंडल, मेरा मतलब है चल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं। हाँ। आओ चले। हाँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पिताश्री श्री के भी पिताश्री है, इस संपूर्ण जंगल के पिताश्री है, वनराज सिंह की दहाड़ है। भैया
श्री को तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्रहलाद को दैत्य शिक्षा दिलवानी ही पड़ेगी, नहीं तो परिश्रम पूरा नहीं होगा। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पिताजी गुरु शुक्राचार्य, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पिताजी, कहाँ कहाँ देखे। निर्बुद्धियों, मूर्खों, तुमने हमारी मंत्र सिद्धि की सारी साधना विफल कर दी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें यहाँ आने की? हम तुम्हारे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर स्मरण रखोगे। पिताश्री, यदि हम इस समय यहाँ पर नहीं आते तो भी आप हम पर क्रोधित अवश्य होते। क्यों? क्योंकि जिस प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व तो आपने हमें सौंपा है, उससे शिक्षित करना हमारे वश में नहीं है। वो तो स्वयं हमें पढ़ाता है। उसके हृदय में दैत्यों के प्रति तुलनीय भी सम्मान नहीं है। वह तो विष्णु और विष्णु भक्ति के गुण गाता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें करता है जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है पिताश्री। दैत्य शत्रु नारद ने उसे भ्रमित कर दिया है। हमें ज्ञात हो गया है कि नारद ने ही कयादु को इंद्र के हाथों से बचाकर उसे अपने आश्रम में शरण दी थी। उसी ने विष्णु भक्ति का गुणगान करके गर्भस्थ बालक प्रहलाद को उस भक्ति से संस्कारित किया था। तो अब क्या होगा पिताश्री? इन अमंगलकारी संस्कारों से प्रहलाद को मुक्त कराने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। तो अब आप हमारे साथ आश्रम चले? हाँ पिताश्री, आप हमारे साथ आश्रम चलिए। आपके चलने से ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। कैसे चले? पर अब यहां रहकर भी क्या करेंगे? अंतर सिद्धि की साधना विफल करके तुमने अनर्थ कर दिया। हमें आशंका है कि कहीं दैत्यों पर कोई विपत्ति ना पड़े। चलो शीघ्र मति शीघ्र चले पिताश्री। हरी हरी जन्म लेकर तू देवताओं का गुणगान कर रहा है, दैत्य बालकों को भी उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें यहां दैत्य कुल की शिक्षा के लिए लाया गया है और तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। चल। बालक प्रहलाद के सात्विक विचार, पवित्र भावना और विष्णु भक्ति से असंतुष्ट व क्रुद्ध होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो विष्णु भक्ति से विमुख होकर दैत्य संस्कृति से प्रभावित होकर दैत्य वृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। इन्हीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर हिरण्यकश्यप अपनी सेना सहित निर्दोष प्राणियों व ऋषि मुनियों को पीड़ित, भयभीत और आतंकित कर जय घोष के मध्य पुनः अपने महल में प्रवेश करता है। प्रणाम माता। चिरंजीव, दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है, इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहें। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रुओं का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म
तथा विश्व भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है। इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विश्व भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ते दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दे पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। प्रहलाद के प्रभु भक्ति पूर्ण वचन सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंडित करने के साथ साथ सेनापति दुंदुभिन्ननाथ को आज्ञा दी कि प्रभु भक्ति में निमग्न रहने वाले ऋषि मुनियों के जीवन को अस्त ध्वस्त करने के लिए पुनः उन पर आक्रमण करे। स्वामी की आज्ञा मानकर दुंदुभिन्ननाथ ने निर्दोष ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट कर उनके आश्रम चला दिए। पीड़ित ऋषिगण त्राहि माम करे भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त उनके पास अन्य उपाय नहीं था। कश्यप के भयंकर राक्षस हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, वो हम पर भी प्रहार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम यज्ञ का शुभ कार्य करें। हमारी रक्षा करें देवेश्वर। राक्षस हमारे आश्रम उजाड़ रहे हैं प्रभु। निर्दोष महात्माओं के प्राण तक हरण कर रहे हैं ये राक्षस। प्रभु रोकिए इस अनर्थ को, आप तो शरणागतों के उद्धारक और दुखियों के तारणहार है। यदि आपके भक्त जनों पर असुरों का अत्याचार होगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? असुरों द्वारा उत्पन्न इनके संकटों का अंत करें स्वामी। ऋषिगण, आप सभी की पीड़ा ने हमें पीड़ित किया है, किंतु दुविधा यह है कि जब तक आसुरी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती तब तक उसका अंत होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके अत्याचारों का अंत होगा। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने आश्रम जाएं और पूर्ववत धर्म ध्यान में मन लगाएं। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। स्वामी, आपने ऋषिगण को कुछ उपाय करने का आश्वासन दिया है, वह उपाय क्या है स्वामी? देवी पार्वती, हम चाहते तो हैं कि कुछ उपाय करें। आपके चाहने से हिरण्यकश्यप के राक्षस अत्याचार कैसे रोक देंगे? इसके लिए तो आपको कुछ करना ही होगा स्वामी।
देवी, तुम हमारी अर्धांगिनी शिवा होने के साथ साथ शक्ति का अवतार भी हो। तुम्हारे इंगित मात्र से बड़ी और भयंकर से भयंकर तम दुष्ट शक्तियां नष्ट हुई और हो सकती हैं। फिर भी आश्चर्य है कि तुम हमारे उपाय के प्रति शंकित हो। नहीं स्वामी, आपके उपाय के प्रति शंकित होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी कि हिरण्यकश्यप की गति का अंत समय आ गया अथवा समय शेष है। मैं उपस्थित हूँ भोलेनाथ। मुझे कैसे स्मरण किया? क्या आज्ञा है मेरे लिए? शुक्राचार्य, तुम हमारे आराधक हो, ये सत्य तो सारा जग जानता है भोलेनाथ। तुमने आराधना करके हमसे मृत संजीवनी विद्या तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, ये भी सत्य है। किंतु खेद जनक और लज्जा जनक भी है, क्या इन शक्तियों, विद्याओं और सिद्धियों को तुमने इसीलिए प्राप्त किया है कि अपने दैत्य शिष्यों को शक्तिवान बनाकर उनसे निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करवा सको, उनके यज्ञ कार्यों में बाधा पहुंचा सको, उन्हें पीड़ित कर सको? नहीं महेश्वर, नहीं। ऐसा सब होने में मेरी सहमति अथवा समर्थन सर्वथा नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारा शिष्य हिरण्यकश्यप और अन्य असुर तुम्हारे प्रति सम्मान, आदर और गुरु भाव नहीं रखते। ऐसा भी नहीं है महेश्वर। तो फिर कैसा है? उनके कुकृत्यों और दुष्कर्मों में तुम्हारी सहमति भी नहीं है और वे तुम्हारा आदर भी करते हैं, तो फिर तुमने उन्हें रोका टोका क्यों नहीं? निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो हम ये क्यों ना मान ले कि तुम ही हिरण्यकश्यप और असुरों को ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हो? नहीं कैलाशपति, नहीं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि सत्य क्या है? केवल इतना ही महेश्वर कि मैंने दैत्यराज को दैत्य शत्रुओं से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दैत्य गुरु होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। ये तो बताएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दैत्य शत्रु किसे मानते हैं? दैत्य शत्रु तो वे तो देवी, इस समय दैत्य शत्रु की परिभाषा जानने से कोई लाभ नहीं। यदि हम दैत्यों को दुष्कर्मों से रोकते हैं तो हम भी दैत्य शत्रु की सीमा में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेश्वर? संपूर्ण दैत्य जाति तो आपके उपासक है, वे आपसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं? आज वे हमारे उपासक हैं, किंतु समय के साथ सत्य बदल भी सकता है। नीति में मतभेद होने और उनकी दुष्वृत्ति का विरोध करने पर सत्य के बदलते समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। और यह भी तो हो सकता है कि दैत्यों के दबाव में आकर आपको उनका समर्थन और हमारा विरोध करने पर विवश होना पड़े और हम दैत्य शत्रु मान लिए जाएं, वैसा ही जैसा जलंधर के समय हुआ था। उत्तर नहीं दे पा रहे हो शुक्राचार्य, किंतु अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। आज्ञा करें महादेव। तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप को सावधान कर दे कि वो धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा देवाधिदेव। परम योद्धा धुंधुवी निनाद की जय।
आओ दुंदुभिनी नाथ, तुम्हारा स्वागत है। कहो क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार हमारे पक्ष में है दैत्यराज। मैंने दैत्य शत्रु विष्णु भक्त ऋषि मुनियों को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है और जो बच गए वो प्राण बचाकर अज्ञातवास में जा चुके हैं। आपका विरोध करके विष्णु भक्ति करने का साहस अब कोई नहीं करेगा। पुत्र, दुंदुभिनी नाथ ने दैत्य जाति के लिए अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं। हाँ माता, और दुंदुभिनी नाथ ने हमारी विजय यात्रा में अपूर्व योगदान दिया है। सेनापति महापराक्रमी और परम योद्धा है निस्संदेह, और तुम्हारे प्रति अत्यंत स्वामी भक्त भी। हम भी तो इनसे स्नेह करते हैं। स्नेह? क्या हम इनसे केवल स्नेह ही करते रहेंगे? पुरस्कार स्वरूप इन्हें कुछ देंगे नहीं? कहो माता, तुम जो कुछ भी चाहोगी हम दुंदुभिनी नाथ को वही देंगे। पुत्र, मैंने तुम्हारी बहन होलिका का विवाह इनसे करने का वचन दिया था। मेरा विचार है कि वो वचन पूर्ण करने का समय अब आ गया है। माता, तुमने वही कह दिया जो हम कहना चाहते थे। शूरवीर असुरगण, हम शीघ्र ही अपनी बहन होलिका का विवाह अपने दैत्य सेनापति दुंदुभिनी नाथ के साथ करेंगे, और विवाह का समय है। दैत्यराज, दैत्यराज, ये ऋषि मुनि विष्णु भक्ति कर रहे थे और आपकी शक्ति को चुनौती दे रहे थे। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञादि भी कर रहे थे। हम तो इन्हें वही समाप्त कर देते दैत्यराज, किंतु दैत्य सेनापति की आज्ञा थी इन दुष्टों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। विष्णु की भक्ति क्या करेगा वो? रक्षा करेगा तुम्हारी? बोलो, तुम हमें सर्वशक्तिमान मानते हो जो तुम्हारी ना सुनते ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, अथवा उस विष्णु को जो हम दैत्यों का शत्रु है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी को सर्वशक्तिमान मानता है वो मिथ्यावादी है, कपटी है और अधर्मी है, पापी है। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण ले सकते हैं, किंतु हम असत्य नहीं कहेंगे। वही हमारे रक्षक है। देखता हूँ कब तक तुम्हारा वो सर्वशक्तिमान विष्णु यहाँ आकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। सेनापति, नहीं, इन निर्दोष विष्णु भक्तों को समाप्त करने से पहले तुम मुझे समाप्त कर दो। ओम हरि। दैत्य सेनापति दुंदुभिनी नाथ, सावधान, बंद कर दो इन निर्दोष धर्मात्माओं पर अत्याचार, ये शुभ आज्ञा है। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कल्याण होने का आशीर्वाद तो तब फलेगा गुरुवर जब हमारा कल्याण चाहने वालों का कल्याण होगा। सीधी भाषा बोलो दैत्यराज। गुरुवर, देवताओं ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिए हैं। विष्णु की सहायता से वे हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। विष्णु भक्ति व यज्ञ करके अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं। यदि समय रहते हमने इन दैत्य शत्रुओं को समाप्त नहीं किया तो वे निश्चित ही हमें समाप्त कर देंगे, और यदि हमने आपकी आज्ञा का पालन करके उन्हें समाप्त नहीं किया तो फिर दैत्यों का नाम लेने वाला कौन रहेगा गुरुवर? दैत्य गुरु, पुत्र हिरण्यकश्यप सत्य कह रहा है। हाँ गुरुवर, हम शांत होकर बैठे रहे तो हानि हमारी ही होगी। दैत्य वंश की रक्षा के लिए हमें दैत्य शत्रुओं का सामना तो अवश्य करना पड़ेगा गुरुवर। किंतु हम शिवागा के सम्मुख विवश हैं, और तुम जिस दैत्य वंश के विनाश की आशंका से रक्षा का उपाय सोच रहे हो, विनाश तो उसमें भी छिपा हुआ है। वो क्या गुरुवर? शिव ने स्पष्ट कह दिया है, जिन धर्मात्माओं पर दैत्यों के अत्याचार बंद नहीं हुए दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है, दैत्यों का सर्वनाश निश्चित है। पिताश्री, शिवजी महाराज ने स्पष्ट चुनौती दे दी है। उनकी आज्ञा है कि आप विष्णु भक्तों पर अत्याचार ना करें। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप हिंसा, मारकाट और अत्याचार का मार्ग त्याग कर धर्म, न्याय व भक्ति का मार्ग अपनाएं। इसी में सबका कल्याण है। ओम हरि।
इस दुष्ट बालक को पर्वत शिखा से नीचे फेंक कर समाप्त कर दो। दया करें स्वामी, दया करें। प्रहलाद आपका पुत्र है, ये बालक है, इस पर इतना क्रोध ना करें स्वामी। दैत्यराज, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद की बातों से भ्रमित ना हो और विष्णु भक्तों को समाप्त करने के अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। पुत्र के मोह में पड़कर तुम दया की बात कर रही हो कयाधु, इतना भी नहीं जानती कि विष्णु भक्ति के कारण ये हमारा विरोधी बन गया है और यदि यह जीवित रहा तो विष्णु भक्तों को प्रोत्साहित करेगा। और तुम भी सुन लो, यदि तुमने इसे बचाने का प्रयत्न किया तो तुम भी हमारे क्रोध का भाजन बन जाओगी। दल नायक, ले जाओ इस दुष्ट बालक को, और यदि कोई विष्णु भक्त इस कार्य में बालक बनने की चेष्टा करे तो उसे तत्काल समाप्त कर दो और इन विष्णु भक्तों को भी समाप्त कर दो। ले जाओ, ले चलो इन दुष्ट पापियों को, चलो चलो युवराज। नहीं, जाओ नहीं। ऐसा नाश न करे स्वामी, प्रहलाद हमारा पुत्र है, प्रिय पुत्र, इस पर दया करे। आप प्रहलाद के पिता हैं, क्या पिता भी कभी अपने पुत्र को ऐसा दंड देते हैं? मेरा प्रहलाद। राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दल नायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि, तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं, उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि, अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सबको देख कर विचलित हुआ जा रहा हूँ राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक, कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे, राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं, उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट ना करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि, हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद, अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे, अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि, ओम हरि। हाँ। ना, आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरि, ओम हरि, हरि।
हमें मूर्ख बना दे हो, उठाकर फेंक दो उसे नीचे। यह हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लूं। स्वामी अब भी समय है, अपने पुत्र पर दया करें, कृपा करें नाथ, उसे मृत्यु के मुख में ना ढकेले। बंद करो ये विलाप कयाधु, पुत्र के मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इतना भी नहीं समझती कि वो पुत्र होते हुए भी हमारा विरोधी है? नहीं, विष्णु भक्ति का प्रचार करके वो दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। दैत्य साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति यदि विचार करें तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज, सेनापति दुंदुभि निनाद विष्णु से परास्त हो गए हैं, किंतु वो अब है कहां? वे इसी ओर आ रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय हो। वो तो है, क्या समाचार है ये बताओ। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने राजकुमार प्रहलाद को खाड़ी में फेंक कर समाप्त कर दिया है। दल नायक, इस समाचार से हमारे मन को प्रसन्नता हुई है, हमारे मन को शांति मिली है। वो दुष्ट दैत्य धर्म विरोधी राजद्रोही विष्णु भक्त समाप्त हो गया। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा प्रहलाद, मेरा पुत्र, तेरे बिना तेरी माता कैसे जीवित रह सकती है पुत्र? माता, ये क्या कर रही हो माता? प्रहलाद, मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। तू जीवित कैसे बच गया दोस्त? तू अपने पिता का शत्रु है। नहीं पिताश्री, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, और मेरी आपसे एक विनती है कि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु ना समझें। ओम हरि। वो सबके हितैषी और परम दयालु हैं। उनकी कृपा से मैं मृत्यु के मुख से निकल आया हूँ। मृत्यु के मुख से निकल आया तू? चुप कर प्रहलाद, अपने मुख से दैत्य शत्रु विष्णु की प्रशंसा बार बार मत कर। इस बार तू दल नायक के कारण जीवित बच गया है, पर मैं भी देखता हूँ कि तेरा विष्णु तुझे कब तक बचाता है। दैत्यराज की जय हो। चिंता मत करो दुंदुभि निनाद, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सर्वप्रथम इस अधम बालक को
उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर सड़ा सड़ा गिरे समाप्त कर दो। हम इसे एक पल भी जीवित नहीं देखना चाहते। ले जाओ इसे। तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकते। हट जाओ कयाधू। प्रहलाद, मेरा पुत्र। कयाधू रोती बिलखती रह गई और सैनिक उसके पुत्र प्रहलाद को निष्ठुरता पूर्वक ले गए। हिरण्यकश्यप की ये निष्ठुरता मात्र प्रहलाद पर ही नहीं अपितु जन साधारण को भी पीड़ित कर रही थी। वैसे भी अत्याचारी का अंत निश्चित होता है और विधि विधान के रचनाकार सर्वेश्वर महेश्वर भोलेनाथ सभी घटनाओं से परिचित भी थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और महादेवी पार्वती को प्रणाम। पधारी श्री हरि विष्णु। आपका स्वागत है भोलेनाथ। मैं आपके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सत्य तो यही है श्रीहरि कि हम आप ही का स्मरण कर रहे थे। मेरा स्मरण? कारण? कारण वही जो आपको लेकर यहाँ आया है। दैत्य शक्ति के उत्थान और दिव्य शक्ति की क्षीणता को हम विवश होकर तो नहीं देख सकते हैं। इसी कारण हमारी भेंट होना आवश्यक था। हमारी प्रेरणा से शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को आदेश दिया था कि वह धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, किंतु न केवल उसने उस आदेश की अवहेलना की है बल्कि अत्याचारों को और अधिक क्रूर बना दिया है। हमने यथासंभव उन सभी अत्याचारों का प्रतिकार किया, परंतु अब तो हिरण्यकश्यप सारी सीमाएं लांघ गया है। महेश्वर, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार उसका अंत करने के लिए हमें जो रूप धारण करना होगा वो अत्यंत उग्र और भयानक होगा। एक बार वो रूप धारण करने के पश्चात उसे शांत कर पाना असंभव हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं श्रीहरि, आपके उस उग्र रूप को शांत करने का उपाय हम अवश्य करेंगे। विष्णु और रुद्र के उग्र तथा विचित्र रूप का मिलन सृष्टि के लिए आश्चर्यपूर्ण और कल्याणकारी होगा। हमने जगत के कल्याण के लिए कई रूप धारण किए हैं और करते रहेंगे। प्रभु, क्या आप एक नवीन अवतार धारण करेंगे? विष्णु की अवतार लीला के लिए इस बार हमारा सहयोग अति आवश्यक हो गया है देवी।